शॉर्टकट की। जी हाँ, आपने देखा होगा कई बार आपके कुछ फेवरेट एप्लीकेशन होते हैं या फिर कह लो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, जिन्हें आप बार बार एक्सेस करते हो, तो वहाँ पर आपको बार बार उसे ओपन करना पड़ता है या फिर सर्च करना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन कहाँ है, और वहाँ पर जाकर उसे सिंपली ओपन करना होता है। बट यहाँ पर आप उन एप्लीकेशन को, जो भी आपका फेवरेट एप्लीकेशन है, उसे आप शॉर्टकट बना सकते हो, उसके लिए एक शॉर्टकट की सेट कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है, शॉर्टकट की सेट करना है, तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को यहाँ पर विंडो का बटन दबा के सर्च कर लीजिए। जैसे कि एक्सेल का, मान लीजिए यहाँ पर आप एक्सेल रोजाना इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप इसके लिए एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, शॉर्टकट की सेट करना चाहते हैं, तो सिंपल से इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको इस पर राइट क्लिक करना है और सिंपल सा प्रॉपर्टीज पर आना है। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट की, देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये जो पहले प्रीसेट मिलेंगे, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट, आपको ये यूज करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली कुछ भी इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक्सेल लगाना है, तो एक्सेल के लिए यहाँ पर आप सिंपल सा ई लगाना चाहते हैं, या फिर आप इसके लिए कुछ भी दूसरा बटन डाउन, या फिर आप जो भी आप मर्जी से ए बी सी डी जो भी आप सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ई सेट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने ई सेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं सिंपली इसे अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल से शॉर्टकट की दबाता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई, तो देखिए जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा शॉर्टकट की।